अब कोई भी इंसान वन पीस के वर्ल्ड में कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है वो डिसाइड करती है ये तीन चीजें। थर्ड पर आते हैं डेविल फ्रूट्स। डेविल फ्रूट्स तीन तरीके के होते हैं, लोगिया, परमिशिया एंड जोआन डेविल फ्रूट। अब जोआन डेविल फ्रूट भी दो तरीके के होते हैं, एंशियंट जोआन एंड मिथिकल जोआन। सेकंड पर आती है हाकी। न्यू वर्ल्ड में जरूरी नहीं कि किसी पायरेट के पास डेविल फ्रूट हो या ना हो, लेकिन हाकी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर न्यू वर्ल्ड में तुम्हारे पास हाकी नहीं है तो यहाँ नहीं टिक पाओगे। अब हाकी भी तीन टाइप की होती है, ऑब्जर्वेशन हाकी, आर्मनेंट हाकी एंड कॉन्करर हाकी। अब इनके अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसके ऊपर मैं अलग से एक शॉट बनाऊंगा ताकि ये वीडियो ज्यादा ना लंबी खींचे। नाउ फर्स्ट पर आते हैं एंशियंट वेपन। वन पीस के वर्ल्ड में टोटल तीन एंशियंट वेपन एग्जिस्ट करते हैं, पोसाइडन, प्लूटोन एंड यूरेनस, जिसमें से हमें सिर्फ पोसाइडन के बारे में पता है कि वो है शिराहोशी, जो कि सी किंग्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, उन्हें कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा हमें प्लूटोन की लोकेशन के बारे में पता है कि वो वानो कुनी में है। और अगर बात करें यूरेनस की तो यूरेनस का कुछ नहीं पता कि वो कहां पर है, लेकिन हो सकता है कि वो ईमो के पास हो। और अगर तुम्हें एनिमे से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट पसंद है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं एनिमे से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर डालता रहता हूं।